स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ हिस्ट्री का थर्ड लेसन करेंगे, बंधुत्व जाति और वर्ग। बंधुत्व का मतलब होता है कि जो आपस में जो संबंध होते हैं एक दूसरे से, वो जाति और वर्ग, जो मतलब लोगों की जाति और वर्ग से है। इसमें हम थर्ड लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पितृवंशिकता होती क्या है। जो पितृवंशिकता का अर्थ ये होता है कि जो भी मतलब जो परिवार है उसके अंदर जो परिवार का नाम है वो पिता के नाम से चलेगा। तो इसमें पहले पिता का नाम पुत्र, फिर उसके बाद पुत्र का नाम पुत्र से, पोत्र से और पौत्र से। इस अवस्था के अंदर जो संपत्ति का अधिकार होता है, जो वंश का जो नाम का अधिकार होता है, वो सारे पिता के नाम पर चलता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल था उस टाइम में पितृवंशिकता व्यवस्था ही प्रचलित थी। जो पुत्र था वही अपने मतलब जो पुत्र था वो अपने पिता का उत्तराधिकारी बनता था, और उसके बाद उसका बेटा और उसका बेटा, ऐसा चल के हमारा राज्य चलाया करता था। पुत्र जो भी संपत्ति का अधिकार होता था वो सारा पुत्रों को ही मिलता था। इसके अंदर जो पुत्रियां होती थी उनको संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया था। जो ये महाभारत काल के टाइम है उसके अंदर पितृवंशिकता व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल समाज कितने वर्गों में विभाजित था। जो ऋग्वेदिक काल है उसके अंदर समाज में कितने वर्ग थे। तो इसमें आंसर ये आएगा कि जो ऋग्वेदिक काल है उसके अंदर समाज चार वर्गों में विभाजित था। फर्स्ट है ब्राह्मण, सेकंड है क्षत्रिय, थर्ड है वैश्य और फोर्थ है शूद्र। जो ये ब्राह्मण है इसकी उत्पत्ति जो ब्रह्मदेव है, हमारे ब्रह्मा जी हैं, उसके मुख से मानी जाती है। क्षत्रिय की उत्पत्ति जो है ब्रह्मदेव के भुजाओं से मानी जाती है, और वैश्य की उत्पत्ति उसकी जांग से मानी जाती है, और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मदेव के पैरों से मानी जाती है। तो इसीलिए जो ब्राह्मण वर्ग था उसको सर्वोपरि माना गया था। उसका जो ये समाज में सबसे ऊपर ब्राह्मणों को माना जाता था, और ब्राह्मण का कार्य था शिक्षा दीक्षा देना और जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो सब करना, यज्ञ वगैरह करना। क्षत्रिय लोग थे, उनका जन्म भुजाओं से माना जाता था, तो इसलिए उनका कार्य था कि जो भी मतलब लोग होते हैं उनकी रक्षा करना या राज्य करना। जो ये वैश्य वर्ग है इनका जन्म ब्रह्मा जी के जांग से माना जाता था, और इनका कार्य था कि जो राजा थे उनकी सेवा करना या उनकी जो मतलब जो राजकाज करते थे उसमें इनकी सहायता करना, व्यापार करना, कृषि करना आदि वैश्यों का काम माना जाता है। शूद्र का काम उस टाइम में ये तीनों वर्ण हैं इनकी सेवा करते थे। और शूद्र ये समाज में सबसे निम्न दृष्टि मतलब निम्न माने जाते थे, और इनको लोग निम्न दृष्टि से देखते थे। दास वर्ग और जो छोटे कृषक वर्ग आते थे वो सारे शूद्र वर्ग में आते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से ही क्षत्रिय हुए होंगे। तो हमने अभी आपको ये बताया है कि जो प्राचीन काल है उसमें जो समाज था वो चार भागों में विभाजित था। जो हमारा ब्राह्मण वर्ग था वह बहुत ही सर्वोपरि था, और इस समाज में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। दूसरा है क्षत्रिय वर्ग राज करते थे और लोगों की सेवा करते थे। तो इसमें है कि जो शासक वर्ग थे वो क्षत्रिय ही होंगे। हाँ, अधिकतर राज्यों में जो आरंभिक हमें राज्य मिले हैं उसमें जो राजा हुए हैं वो सारे क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय ही लोग राज्य करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही डेवलपमेंट होता गया तो जो अन्य वर्ग के लोग थे, जो वैश्य और ब्राह्मण थे, वो भी राज्य करने लगे थे। हमें कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जो राजा हुए वो ब्राह्मण हुए थे, या फिर एक दो राजा ऐसे हैं जो वैश्य भी हुए हैं। और तो हम ये कह सकते हैं कि जो आरंभिक राज्य थे उसमें अधिकतर जो राजा थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जो लोग मतलब जो सत्ता का निर्वहन करते थे, जिन जो शक्तिशाली होते थे वह भी धीरे धीरे राजा बनने लगे थे।
अगला हमारा क्वेश्चन है, धर्म शास्त्रों में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है? जो हमारा प्राचीन काल है, जो धर्म शास्त्र है, उसमें इसमें पूछा गया कि धर्म शास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह के बारे में पता चलता है, विवाह कितने प्रकार के विवाह थे। तो उस टाइम हमारा जो धर्म शास्त्र है या प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आश्रय विवाह, प्रजापति विवाह, पांचवा है असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इनके अलावा कुछ अन्य विवाह भी थे, जैसे अंतर विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी और बहुपति प्रथा। ये सारे विवाह प्राचीन काल के हैं, प्राचीन का टाइम के हैं, जो हमारे धर्मशास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। जो हमारा ब्रह्म विवाह है, वह उसमें जो लड़की का पिता होता है, वह अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर चुनता है और उसको वर और अपनी बेटी को अच्छे से यज्ञ वगैरह के साथ वस्त्र आभूषण देके उसके साथ विवाह कर देते हैं। तो वो है ब्रह्म विवाह। जो हमारे भारतीय समाज में आज जो विवाह प्रचलित है वो ब्रह्म विवाह ही है। देव विवाह, इस विवाह में जो लड़की का पिता होता है वह अपनी बेटी की शादी पुरोहित के साथ करता है, तो इस विवाह को देव विवाह बोला गया है। आश्रय विवाह, इस विवाह में जो लड़की के पिता होता है वो लड़के से एक जोड़ी बैल और गाय और बैल का एक जोड़ा लेता था और उसके बदले में अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देता था, तो इस प्रकार के विवाह को आश्रय विवाह बोलते हैं। प्रजापति विवाह, इस विवाह में जो लड़की का पिता होता है वह लड़के से यह प्रतिज्ञा लेता है या वचन लेता है कि तुम जो भी भविष्य में जो भी कार्य करोगे उसके अंदर मेरी बेटी की सहमति लोगे, उससे सलाह लोगे कि उसको अपने हर काम का, हर जो जिंदगी का कुछ भी पार्ट हो या कुछ भी मतलब जो कार्य हो, विशेष कार्य, उसके अंदर मेरी बेटी को इन्वॉल्व करोगे, मतलब उसमें मेरी बेटी को सहमति लोगे। तो इस प्रकार का वह वर वचन देता था लड़की के पिता को कि हाँ मैं आपकी बेटी को सभी प्रकार से जो उसके अधिकार है वो सारे अधिकार दूंगा। तो प्रतिज्ञा करवा कि लड़की का पिता अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करता था। तो ये हो गए प्रजापति विवाह। असुर विवाह, इस विवाह में जो लड़का होता है, मतलब असुर विवाह वह विवाह, असुर विवाह में लड़की का पिता लड़के से कुछ धन लेता है और धन के बदले में अपनी बेटी का विवाह उस लड़के साथ कर देता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वह अपनी बेटी को बेच देता है, धन के बदले में अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ करता है, तो वह असुर विवाह बोलते हैं। गंधर्व विवाह, इस विवाह में जो लड़का लड़की है वह आपस में एक दूसरे के जो गुण होते हैं उनसे प्रभावित होकर एक दूसरे से शादी करते हैं। इस विवाह को हम प्रेम विवाह भी कहते हैं, लेकिन इस विवाह में यह विवाह बहुत ही कम होते थे या फिर इनको मान्यता ही नहीं मिलती थी, क्योंकि इसमें जो लड़का होता है वह कई बार झूठ बोल देता है कि इसके साथ कोई मतलब साक्ष्य न मिलने पर वह लड़का झूठ बोल देता है कि मेरा इसके साथ विवाह नहीं हुआ, तो ये विवाह अधिकतर टूट जाते थे। राक्षस विवाह, इस विवाह में लड़का है वो लड़की का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लेता है, तो ये हो गया राक्षस विवाह। पिशाच विवाह में, पिशाच विवाह वे विवाह होते थे जो लड़का होता है वह मतलब जैसे कोई सोई हुई लड़की होती है या फिर कोई पागल लड़की होती है उसको उसका अपहरण करके ले जाता है और उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ विवाह करता है, तो वो होता है पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन हमें धर्मशास्त्रों में मिलते हैं। जो ये फर्स्ट के 4 विवाह हैं उनको उत्तम प्रकार के माना गया है और जो ये सेकंड के जो 4 विवाह है उनको निम्न प्रकार के विवाह बोला गया है। जो समाज था वो केवल ये 4 वर्ग के विवाहों को ही कोई पवित्र या उत्तम मानता था और ये अधिकतर विवाह यही होते थे, मतलब ये 4 प्रकार के विवाह ही ज़्यादा होते थे। इन 8 के अलावा भी अन्य विवाह थे, जैसे अंतर बहिर्विवाह, अंतर विवाह। तो अंतर विवाह जो गोत मतलब अंतर विवाह वे विवाह होते थे जो एक ही जाति गोत्र या फिर एक साथ थोड़े ही, जैसे हम बोलेंगे कि थोड़े ज़्यादा लंबे जो मतलब ज़्यादा लंबी जगहों पर न रहके आपस में ही वो लोग शादी कर लेते थे, एक ही कुल के एक ही गोत्र के होते थे वो, तो उन्हें बोलते हैं अंतर विवाह। बहिर्विवाह होते वो होते हैं जो अपने गोत्र या कुल से बाहर जो विवाह किया जाता है तो उन्हें बहिर्विवाह कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी जहाँ पे एक
मतलब जो एक लड़का होता है उसके एक से दो से ज़्यादा जो पत्नियाँ होती थी, तो उसे यह उस टाइम में यह प्रथा भी प्रचलित थी। और बहुपति प्रथा, इसके अंदर जो एक पत्नी होती है उसके एक से ज़्यादा पति होते हैं तो उसको बोलते हैं भाई बहुपत्नी प्रथा। तो ये सारे आठों के अलावा ये चार अलग मतलब जो ये चार विवाह ऐसे भी हैं जो उस टाइम पे प्रचलित थे। तो आज का ये जो धर्मशास्त्र विवाह, जो धर्मशास्त्र में जो विवाह के वर्णन है वो यही है।